हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो बात चल रही थी वेस्ट एशिया पे, हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस देखा, राइट, और उसकी कितनी हार्श कंडीशंस जर्मनी को फेस करनी थी वो देखा, जिसकी वजह से 1920s में जर्मनी बहुत वीक हो गया था। और जो फ्रांस और जर्मनी है, दे इमर्ज्ड एज सुपर पावर्स। लेकिन अब देखेंगे इनकी जो सुपर पावर स्टेटस है ये कब तक चलती है, राइट, ये भी एक पॉइंट आएगा। तो हमने जैसे बात की थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है दैट अपार्ट फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, ये नेशनलिज्म भी बहुत प्रोड्यूस किया। तो चारों तरफ ये बात होने लगी कि जर्मनी इज़ फॉर जर्मन्स, ब्रिटेन इज़ फॉर ब्रिटिश। और इसी बीच ज्यूज एक्साइट हो गए, राइट। देखो, ज्यूज बहुत ही एक हार्ड वर्किंग पीपल है, हार्ड वर्किंग कॉम है, एंड और इनके अंदर बहुत ही कोहेसिवनेस है। ऐसा नहीं कि दे आर स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी लाइक सीन इन अनफॉर्चुनेटली हिंदुइज्म, काफ़ी स्ट्रेटिफाइड है, और टू बी मैटर पार्टली सीन इन द इस्लाम, राइट, शिया सुन्नी। ये लोग बहुत ज़्यादा कोहेसिव है, साथ में बहुत रहते हैं और अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, राइट। पूल करके ये अपना इन्फ्लुएंस दिखाते थे किसी भी कंपनी क्रेडिट देने में, और इनकी वैल्यू भी इसलिए होती थी। तो 1897 में इन्होंने बोला कि भाई जुडाइज्म जो है, जो ज्यू धर्म है, यहूदी धर्म है, वो एक एक धर्म नहीं है, वो एक नेशनैलिटी भी है। और 1897 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदा, आप किसी भी ज्यू के घर में चले जाओ, किसी भी यहूदी के घर में चले जाओ, उसकी ये फ़ोटो होगी, थियोडर हर्ज़ की। थियोडर हर्ज़ ने बेसल में वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट कांग्रेस का, ठीक है, बुलाया। बेसल, बताओ कमेंट सेक्शन में बेसल कहाँ पे है, राइट। और बेसिकली ज़ायोनिस्ट का मतलब क्या है? देखो, ज़ायोनिस्ट एक जो वहाँ पे जायन रॉक है उसके ऊपर टेंपल माउंट है, ओके, जेरूसलम में। और जो आप येलो कलर की फ़ोटो देखते हो, दैट इज़ बेसिकली जायन। तो दिस इज़ वेयर हाउ द वर्ल्ड हैज़ कम जायनिस्ट। तो बात चली भाई, ज्यू एक धर्म नहीं, ये एक नेशनैलिटी है। तो फिर बात हुई कि अब नेशनैलिटी है तो कहाँ पे हम रहेंगे। तो बात हुई अलास्का की, बात हुई युगांडा की, और बात हुई पैलेस्टीन की। तो ऐसा पाया गया कि बाइबल में पैलेस्टीन का कुछ वर्सेस में वहाँ पे मेंशन्ड है पैलेस्टीन के बारे में। बाइबल का वर्सेस और बाइबल का हवाला देते हुए इन्होंने ब्रिटेन को कन्विंस किया, और उसी काउंसिल में ये बात हुई कि वेल प्लान्ड मूवमेंट के तहत धीरे धीरे 1897 के बाद दुनिया में जितने भी ज्यूज हैं सब पैलेस्टीन की तरफ मूव करेंगे, और 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार हर साल लोग मूव करना स्टार्ट कर दिए। 1897 में फर्स्ट वेव ऑफ मूवमेंट होता है ज्यूज की पैलेस्टीन में, राइट। देखेंगे इसके बाद अरब का क्या रिएक्शन था नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू, बाय बाय।